हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मारुति की फ्रॉन्क्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके प्राइसिंग के साथ में। बेस मॉडल हमें इसका देखने को मिल जाता है फ्रॉन्क सिग्मा 1.2 लीटर एमटी का, जिसकी ऑन रोड प्राइस 8.76 लाख की देखने को मिलती है। और टॉप एंड मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉन्क्स अल्फा देखने को मिलता है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 15.33 लाख की देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको टोटल 10 कलर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको जो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स, ऑलमोस्ट 16 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको जो है दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पेट्रोल के जो 998 सीसी का एक इंजन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में आपको 1197 सीसी का भी इंजन देखने को मिल जाता है। 990 सीसी का जो है हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, जो कि 99 bhp की पावर और 147.6 nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर देखने को मिला, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट माइलेज इसके अंदर देखने को मिलेगा 20.01 से लेके ऑलमोस्ट 21.5 किलोमीटर पर लीटर का, और भी बहुत सारे प्रीमियम चीजों के साथ में हमें कार देखने को मिल जाती है। जैसे कि इसके अंदर आपको जो है 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विथ 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ में आपको हिल होल्ड असिस्ट इसके अंदर मिलता है, रियर डिफॉगर, ऑटो डिमिंग, IRVM देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ में 3 ELR सीट बेल्ट आपको इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं कार की ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन की। फ्रंट साइड से कार काफी बढ़िया देखने को मिलती है, सेंटर में मारुति सुजुकी का लोगो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको जो है इसके हेडलैम्प्स आइस क्यूब के डिजाइन में देखने को मिलेंगे, DRLs भी आपको उसी में देखने को मिल जाते हैं, नीचे के साइड में बढ़िया से जो है फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक कलर में इसका ग्रिल भी काफी बढ़िया, काफी एग्रेसिव देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड से काफी बोल्ड गाड़ी का लुक जो है देखने को मिल जाता है। कार की साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डुअल टोन कलर में आपको जो है इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे तो आपको जो है इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो है क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर भी देखने को मिलते हैं। और बढ़िया सी जो है यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। जस्ट ही उसके नीचे AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, AC के सारे कंट्रोल्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर में काफी प्रीमियम, काफी बढ़िया जो है कार देखने को मिल जाती है। इस कार के अंदर हमें जो एक प्रीमियम फीचर देखने को मिलता है, जो कि हेड्स अप डिस्प्ले आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें आप जो है गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है, कहाँ पे टर्न लेना है, साथ ही साथ में टाइम क्या हो रहा है ये चेक कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, ये काफ़ी प्रीमियम कारों में देखने को मिलता है ये वाला फीचर, और भी बहुत सारे फीचर्स के साथ में कार हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि वायरलेस चार्जर, साथ ही साथ में 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ओवरऑल अगर आप फैमिली पर्पज़ से ये कार लेने का प्लान कर रहे हो तो काफ़ी बढ़िया कार हमें देखने को मिलती है, आप इसके साथ जा सकते हो। प्राइस वाइज जो है काफी परफेक्ट जो है डिजाइन इसका देखने को मिलता है, फीचर्स भी फुल्ली लोडेड हमें देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं, सेफ्टी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, 6 एयरबैग्स के अंदर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपकी सेफ्टी और भी बढ़ते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ओवरव्यू मारुति फ्रॉन्क्स को लेके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप उन वीडियोस को वॉच नहीं किए तो उन वीडियोस को भी जरूर वॉच करिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।